हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा करारा नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे एक चम्मच तेल में। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ काफी ज्यादा मजेदार है। बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग इसे मांग मांग कर खाएंगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं। ये नाश्ता खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं यानी चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो 100% गेहूं के आटे से बनाइए। वेट में ये हमारा 150 ग्राम है, नाप में एक बड़ी कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे आटे को मैंने छान लिया है। अब एक हम बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम अपना गेहूं का आटा ट्रांसफर करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। आधा चम्मच अजवाइन को इस तरीके से मसल कर डालेंगे, इससे अजवाइन का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून तक नमक डाल रही हूँ, आप लोग जितना नमक खाते हो उतना डालना। अब मैं 1 चम्मच ऑयल को हल्का सा गर्म करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लंबे समय तक ये नाश्ता क्रिस्पी और कुरकुरा बने रहेगा। और इसी नाश्ते के साथ हम आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी चटनी भी शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है चटनी की और बहुत दिन से मैंने चटनी शेयर नहीं की है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी चटनी शेयर करूंगी, वो भी किचन में मौजूद चीजों से। उस चटनी को जरूर ट्राई करना डियर। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अब मैं रूम टेम्परेचर का पानी लूंगी, ना ठंडा ना गर्म। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे हमें डो को ना बहुत ज्यादा हार्ड रखना है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम डो लगाना है। और यहाँ पे आपको अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से हल्के हाथों से मसलना, बहुत ज्यादा प्रेशर दे के मत मसलना, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो काफी ज्यादा कुरकुरा नहीं बनेगा। तो हल्के हाथ से जब आप मसलेंगे तो इसमें लचक होगी और नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने मलमल के इसका आटा लगा लिया। इसको हमें गूंदने की जरूरत नहीं है और इसको मैं कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इतना आटा लगाने में मुझे आधा ग्लास पानी यूज हुआ है, छोटा ग्लास था यानी कप भी आप समझ सकते हैं, और आधा पानी हमारा बच गया है। तो चैन में मैंने आधा चम्मच तेल लिया है। तेल जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे और हींग हमारी जब 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटक जाएगी तो इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे और प्याज को हम धीमे धीमे आंच पर अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए आप प्याज को भूनिएगा, ऐसा मत करना कि प्याज को भूनते समय आप कहीं चले गए, नहीं तो प्याज कहीं कहीं डार्क हो जाएगी, कहीं कहीं लाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें इक्वल कलर चाहिए, तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक प्याज को धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल हल्का सा कलर आना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे गाजर जो हमने ग्रेट करके लिया है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बच्चे खाने में नखरे करते हैं, तो इस तरीके से आप गाजर ऐड करके उनको नाश्ते में खिला सकते हैं, जिससे वो खुशी खुशी खा भी लेंगे और उनकी आंखों को काफी ज्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि गाजर आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके डाला है, आप चाहे तो इसको छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मटर जो हम 2 चम्मच डाले हैं। यहाँ पे मैंने पैकेट वाला मटर इस्तेमाल किया है, जो फ्रोजन मटर आता है, आप चाहे तो ताजा मटर भी ले सकते हैं फ्रेश वाला। तो यहाँ पे मैंने इसका इस्तेमाल किया है कच्चा वाला, तो मैं इसको धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मटर को यूज करने से पहले आप 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लेना, ताकि जो इसमें केमिकल लगा होता है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए, मटर भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बच्चों के फेवरेट आलू, जो हमने वेट में 100 ग्राम लिया है, और नाप में बताऊं तो 3 से 4 आलू थे। अगर कटोरी से बताऊं तो 1 बड़ी कटोरी भरकर आलू है, जिसको मैंने मैश करके लिया है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, आलू को आपको बॉईल करने के बाद ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आप मैश कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आलू आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म आलू आप डालेंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे और ये नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से सारी चीजों के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए।
तो फ्रेंड देखिए, मैंने 2 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लिया है। इस तरह से आलू हमारी सारी चीजों के साथ मिल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, इसीलिए मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालने हैं। और 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये चटपटा बने। और इसी के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे होममेड गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। और मसाले को हम अच्छे से आलू के साथ भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले अगर आपके कच्चे रहेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मसालों को भी हमें धीमी धीमी आंच पर वापस से 15 से 20 सेकंड अच्छे से भूनना है, ताकि मसालों से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जो हमने इस तरह से कट कर ली है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को हटा सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो भी हरी मिर्च को हटा देना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, खा सकता है, तो जरूर डालना। और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को वॉश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है, तब ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा चटपटा आलू तैयार हो चुका है, जिसको आप किसी भी रेसिपी में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसको चख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम ज्यादा लगे तो आप इसमें इस समय ऐड कर सकते हैं, बाद में आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ठंडा करके ही इसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड आगे इस तरफ हमने एक कटोरी लिया है। अब इसके अंदर तो फ्रेंड देखिए, मैंने 2 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लिया है। इस तरह से आलू हमारी सारी चीजों के साथ मिल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, इसीलिए मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालने हैं। और 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये चटपटा बने। और इसी के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे होममेड गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। और मसाले को हम अच्छे से आलू के साथ भूनेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले अगर आपके कच्चे रहेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मसालों को भी हमें धीमी धीमी आंच पर वापस से 15 से 20 सेकंड अच्छे से भूनना है, ताकि मसालों से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, जो हमने इस तरह से कट कर ली है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को हटा सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो भी हरी मिर्च को हटा देना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, खा सकता है, तो जरूर डालना। और अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को वॉश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है, तब ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा चटपटा आलू तैयार हो चुका है, जिसको आप किसी भी रेसिपी में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसको चख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम ज्यादा लगे तो आप इसमें इस समय ऐड कर सकते हैं, बाद में आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा चिकना करेंगे, 1 से 2 पंच मारेंगे, ज्यादा नहीं गूंदेंगे, क्योंकि हमने इसे रेस्ट दिया था। और अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे हलवाई बनाते हैं, ये देखिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड 6 भागों में मैंने डिवाइड किया है। अब मैं इसको एक को ले लूंगी और बाकी मैं कवर करके साइड में रख दूंगी, ताकि ये सूखे ना। और अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मस लेंगे। फिर इसके बाद फ्लैट करने के बाद अब इसे हम रोल आउट करेंगे। तो चलिए इसे रोल आउट करते हैं। थोड़ा सा चावल का आटा लगाने थे, ताकि ये कुरकुरा हो जाए। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सूखा आटा मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे रोल आउट करूंगी। तो यहाँ पे आपको इसे रोटी की तरह बेलना है, जैसे रोटी हमारी होती है पतली, उसी तरीके से बेलना है। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। बहुत ज्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से ये होना चाहिए। बाकी ये बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट पे रख लूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर चलेंगे हम गैस की तरफ। आगे का हम गैस पे करेंगे, ये देखिए। तो चलते हैं गैस की तरफ फटाफट बनाने की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। एक हमने पैन लिया है, ना हम इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे। इस तरीके से हम अपनी इसको डालेंगे स्वीट को, जो हमने यानी पराठे या फिर जो भी बोल लीजिए आपने। और इसको हमें हाई फ्लेम पर मुश्किल से 5 सेकंड रखना है, और 5 सेकंड के बाद हम इसे टर्न कर देंगे। और अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं तो आप इसमें कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चम्मच आता है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ,
इस चम्मच से भी आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इस तरीके से आपको इसे धीमी धीमी आंच पर, पहले शुरुआत में आपको इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर उसके बाद धीमी आंच पर इस तरह से रेडी करना है। ये देखिए एक रेडी हो चुकी है, इसको हम साइड में रख देंगे, दूसरी डाल देंगे, 5 सेकेंड हाई फ्लेम पर रखेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। ये देखिए इसका कलर अब और तब में कितना अंतर है। और फिर इसके बाद हम इसको फटाफट इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से रेडी कर लिया है, अब मैं इसको हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। जब तक ये ठंडा होगा हम इसके अंदर फिल करने के लिए बना लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया था इसको, देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारी ये थी ये भी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाने के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो कैसे बनाना है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े का साइज अलग रखा है, थोड़े का साइज अलग रखा है, आप चाहे तो इक्वल साइज में बना सकते हैं सारे। तो यहाँ पे ये मेरी चटनी है जिससे मैंने केचप, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के बनाया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्रीन चटनी या मार्केट वाली भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मोमोज वाली चटनी लगा सकते हैं। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, ये देखिए। और अब हमारा जो आलू था जो हमने इस तरह से लिया था, इसको हम इस तरह से फैला लेंगे हल्का हल्का सा, ये देखिए। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज के बिना ही बना सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज। तो ये बिना अंडे वाली है, देखिए मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। तो चलिए बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही कम तेल में। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ, एक पैन में हमने एक चम्मच तेल डाला है, इसको हम पूरे में फैला लेंगे, बस इतना काफी है। और इसको हम अच्छे से गर्म करने के बाद अपने तैयार इसको हम इस तरह से लगा देंगे, ये देखिए। और इसको हमें इस तरह से घुमा देना है ताकि ये हर तरफ से इक्वल पके। तो आप चाहे तो एक बार में 2 से 3 भी डाल सकते हैं अगर आपका पैन बड़ा हो। तो मेरा इतना बड़ा नहीं, तो मैं इसमें से 2 ही डालूंगी। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे 1 से 2 मिनट, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, इस तरीके से हम इसको ऊपर ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और अब हम इसकी साइड को बदल देंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कलर आ गया है। अब दूसरे साइड से भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। तो ये वाला भी पलट देते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा कुछ, और बिल्कुल आराम से ये पक जाएगा। जब आप इसमें सॉस लगाते हैं तो ये चिपक जाता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती इसे पकाने में। तो चलिए दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दोनों साइड से ये इक्वल पक गया है, देखिए कितना सुनहरा कितना प्यारा रंग आया है। तो चलिए बाकी भी बना लेते हैं इस तरह से, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता जिसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, चलिए आपको करीब से दिखा देते हैं। तो ये देखिए ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, ये देखिए, और अंदर से कितना चटपटा है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी मजेदार हमारी ये रेसिपी लग रही है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, और आप इसे ये वाली चटनी के साथ खा सकते हैं जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस चटनी को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ये वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हमारी केचप वाली चटनी है, इसके साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चों को केचप के साथ खाना पसंद होता है और बड़ों को थोड़ा सा स्पाइसी चटनी पसंद होती है, उनके लिए ये वाली चटनी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप इसे लंच बॉक्स में, टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मेयोनीज ना हो तो आप इसकी जगह पे चीज लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वैसे एंजॉय करती हूँ, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।